अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक और स्कॉलरशिप के बारे में। पिछली वीडियोस में काफ़ी मास्टर्स की डिग्रीज़ को हमने कवर किया है, लेकिन आज हम बैचलर्स की डिग्री को कवर करेंगे। कोरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है आप लोगों के लिए लाए हैं, क्योंकि कोरियन गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रही है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, 220 ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें से 185 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि BS के लिए होंगे, और बाकी जो इतने भी तालबिल होंगे 35 रिमेनिंग, उनको एसोसिएटिव बैचलर्स की डिग्री के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपके पास है, उस पर क्लिक करके तमाम तफसीलात आप देख सकते हैं। और इन केस अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको उसके अंदर एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी कोरियन लैंग्वेज की, और जो दुरानिया होगा वो 4 से 6 साल का होगा। और एसोसिएटिव बैचलर्स के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो उसका जो दुरानिया होगा वो 3 साल के करीब करीब होगा, और आपको 1 साल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी कोरियन लैंग्वेज की। और मज़ीद तफसीलात से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि तमाम तर तालीम से मुतालिक और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ तवातुर के साथ आप तक पहुँच सकें। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के फ़ायदे क्या होंगे। आपको एयर फेयर दिया जाएगा, इकॉनमी फ़्लाइट की टिकट्स मिलेंगी आपके आने और जाने के टाइम पर, और उसके साथ साथ आपको सेटलमेंट अलाउंस दिया जाएगा, जो कि तकरीबन होगा 2 लाख कोरियन वोन के करीब। फिर उसके साथ साथ आपको मंथली अलाउंस दिया जाएगा, जो कि होगा 9 लाख पर मंथ, ये आपको हर मंथ के शुरू में दिया जाएगा। फिर उसके साथ साथ कोरियन प्रोफिशिएंसी ग्रांट्स दिए जाएंगे, जो कि करीबन होंगे 1 लाख, ये भी आपको हर महीने के शुरू में दिया जाएगा। फिर उसके साथ साथ डिग्री कम्पलीटेशन ग्रांट्स दिए जाएंगे, ये भी तकरीबन 1 लाख के करीब बनेगा, और ये आपको आपके जाने के वक्त मिलेगा। फिर उसके साथ साथ आपकी लैंग्वेज ट्रेनिंग जो कवर की जाएगी वो होगी तकरीबन 10 लाख के करीब, और वो आपको क्वार्टर के अंदर दी जाएगी। फिर उसके साथ ट्यूशन फ़ी आप लोगों की 50 लाख के करीब होगी, और वो आपको ट्वाइस अ ईयर दी जाएगी, यानी कि 2 बार। फिर उसके साथ साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी आपको साल में 2 बार मिलेगा। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मस्ट बी द सिटीजन ऑफ लिस्टेड कंट्रीज एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर GKS स्कॉलरशिप, यानी कि जो एलिजिबल कंट्रीज़ हैं उनमें से आपका होना ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ नॉट बी अ परमानेंट रेजिडेंस इन कोरिया, आपकी परमानेंट रेजिडेंस नहीं होनी चाहिए कोरिया में, आपके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी उम्र जो है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मस्ट होल्ड अ हाई स्कूल डिग्री, आपके पास हाई स्कूल की डिग्री होना लाजिम है, और आपके जो प्रीवियस आप लोगों का जो एकेडमिक स्कोर है उसमें 80% होना लाजिम है। फिर उसके साथ साथ आपको मेडिकली फिट होना। बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एम्बेसी के थ्रू और अल्टरनेटली यूनिवर्सिटी ट्रैक GKS एप्लीकेशन प्रोसेस। 125 जो तालिबे इल्म हैं वो एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अल्टरनेटली GKS सिस्टम के बाकी जितने रिमेनिंग है 60 स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे। GKS स्कॉलरशिप फॉर्म चाहिए होगा, पर्सनल स्टेटमेंट, आप लोगों का स्टडी प्लान, आप लोगों के लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन 2 एटलीस्ट, फिर उसके साथ साथ GKS एप्लीकेंट एग्रीमेंट जो आपका एग्रीमेंट होगा, फिर उसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएशन, हाई स्कूल ग्रेड ट्रांसक्रिप्ट, लेटर ऑफ मोटिवेशन एंड बर्थ सर्टिफिकेट, ये तमाम डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं कि डेडलाइन क्या है। जो डेडलाइन है वो 20 अक्टूबर 2022 है। आप लोग एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और जो GKS का अल्टरनेटिव मेथड आपको बताया गया है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक चेक करके आप देख सकते हैं। और अल्टरनेटली इसकी जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसके 3 स्टेप्स हैं। एक हर स्टेप क्लियर करना लाजिम है, जब आपके 3 स्टेप क्लियर हो जाएंगे तब जाके आप लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो मुफीद साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि तमाम स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो इसी तरह आप तक बर वक्त पहुँच सकें।